जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कोठारी इंस्टीट्यूट। मैं रोहित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर्स की ऑडियो सेशन में। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने कालिया योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि को 10,000 रुपये से घटाकर कितने रुपये कर दिया है? ऑप्शन है 6,000 रुपये, 4,000 रुपये, 8,000 रुपये, 5,000 रुपये। दोस्तों उसका राइट आंसर है 4,000 रुपये। उड़ीसा सरकार, इसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनकी पार्टी के नाम है बीजू जनता दल, द्वारा कालिया योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि को इसलिए घटाया गया क्योंकि सरकार ने कालिया योजना का फरवरी 2019 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना यानी पीएम किसान योजना में विलय कर दिया था। अधिसूचना के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों में रहने वाले किसानों को दोनों योजनाओं के तहत शामिल नहीं किया जाएगा। तो उड़ीसा सरकार की तरफ से किसान को 4,000 रुपये प्रति साल मिलेंगे और पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। तो इससे उसका एक वर्ष का 10,000 रुपये उसको मिलेगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा। टाइम मैगजीन ने साल 2019 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर निम्न में से किसे चुना है? ऑप्शन है ग्रेटा थनबर्ग, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजनाथ सिंह। उसका राइट आंसर है ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा ने सबसे कम उम्र में सम्मान हासिल किए हुए अपने प्रभावशाली और आक्रामक भाषणों के लिए चर्चा में रही हैं। उन्होंने इस साल संयुक्त राष्ट्र की क्लाइमेट एक्शन समिट में भी भाषण दिया था। दुनिया भर में इस भाषण की काफ़ी तारीफ हुई थी। बता दें कि ग्रेटा एस्पर्गर सिंड्रोम से पीड़ित है और स्वीडन देश से बिलोंग करती हैं। इन्होंने एक कैंपेन चलाया था, उसका नाम था फ्राइडे फॉर फ्यूचर। चलते अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा। भारत और किस देश के बीच इंद्रप्रयास का आयोजन हाल में किया जा रहा है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, जापान, रूस। तो इसका सही जवाब है रूस। यह देश का पहला ऐसा युद्ध अभ्यास है जिसमें भारत और रूस के जल, थल और वायु सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना, समुद्री सुरक्षा ऑपरेशन के संबंध में आपसी समझ को विकसित करना और इंद्र नौसेना अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। तत्पश्चात इस युद्ध अभ्यास का आकार और क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। चलते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जागा मिशन के तहत वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता? ऑप्शन है बिहार सरकार, पंजाब सरकार, उड़ीसा सरकार, कर्नाटक सरकार। इसका राइट आंसर है उड़ीसा सरकार। यह पुरस्कार वर्ल्ड हैबिटेट यूके में स्थित द्वारा यूएन हैबिटेट के साथ मिलकर प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार विश्वभर में अभिनव, उत्कृष्ट और क्रांतिकारी आवासीय विचारों, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की पहचान स्वरूप प्रदान किया जाता है। उड़ीसा सरकार ने 7 मई 2018 को जागा मिशन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर पाँचवा। दुची फैट 3 किस देश के स्कूली छात्रों द्वारा बनाया गया नैनो उपग्रह है? इसे हाल ही में श्री हरिकोटा द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शन है इसराइल, अमेरिका, रूस, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है इसराइल। दुची फैट 3 नामक एक नैनो उपग्रह है जो इसराइल के स्कूली छात्रों द्वारा स्वयं उपयोग के लिए विकसित किया गया है। यह एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है और यह अर्थ ऑब्जर्वेशन द्वारा स्कूली छात्रों को प्रयोग करने में सहायता प्रदान करेगा। इसका वजन मात्र 2.3 किलोग्राम है। इससे पहले भी इसराइल के स्कूली छात्रों ने इस प्रकार के दो उपग्रह बना चुके हैं। इसरो का जो रॉकेट प्रक्षेपण सेंटर है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर है जो कि श्रीहरिकोटा गांव में स्थित है और ये नेल्लोर जिले में अवस्थित है जो कि आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले का नाम बदल के श्री पुट्टी रामल्लू कर दिया गया है। चलते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के मध्य हाल ही में आयरन यूनियन 12 नामक युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? ऑप्शन है भारत, चीन, उत्तर कोरिया, अमेरिका। इसका राइट आंसर है अमेरिका। संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के बीच हाल ही में आयरन यूनियन 12 नामक युद्ध अभ्यास आरम्भ हुआ। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए निपुणता विकसित करना है। संयुक्त अरब अमीरात की सेना और अमेरिकी सेना ने अपने देशों के आधुनिकतम हथियारों और प्रणालियों का इस्तेमाल करते हुए युद्धाभ्यास किया। क्वेश्चन नंबर 7। इसरो द्वारा 11 दिसंबर 2019 को निम्नलिखित में से कौन सा सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया? ऑप्शन है कार्टोसैट 3, रिसेट 2BR1, रिसेट 3A, क्वार्ट्स 4C। तो इसका सही जवाब है रिसेट 2BR1। रिसेट 2BR1 और 9 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया है। यह एक राडार इमेजिंग निगरानी उपग्रह है। इस उपग्रह का भार 628 किलोग्राम है। इसके साथ 9 विदेशी उपग्रहों ने उड़ान
भरी, जिसमें अमेरिका के 6 इसराइल का, 1 इटली का, 1 और जापान का 1 सेटेलाइट है। यह भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास है और इसे भारत की दूसरी खुफिया आंख भी कहा जाता है। और ये PSLV की सफलतम 50वीं उड़ान थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में पापुआ न्यू गिनी से अलग होकर नया देश बन गया है? ऑप्शन है कोपन ब्रांड, जूलियानसन, बोगनविले। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब है बोगनविले। बोगनविले हाल ही में पापुआ न्यू गिनी से अलग होकर नया अलग देश बन गया है। लगभग 181,067 लोगों ने वोट करके इसे पापुआ न्यू गिनी से अलग होने के समर्थन में मत डाला था। यह मत यहाँ की जनसंख्या का 98% है। इस स्थान को विश्व का सबसे बड़ा कॉपर भंडार मौजूद है। पापुआ न्यू गिनी आपके प्रशांत महासागर में आता है और इसकी राजधानी पोर्ट्स मॉर्सबी है। और ये जो बोगनविले आइलैंड है ये मलेशिया के अंतर्गत आता है और सोलोमन जो द्वीप समूह है उसके काफ़ी करीब है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। पाकिस्तान ने 2019 में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए गए लोगों की टॉप 10 सूची में कितने भारतीय शामिल हैं? ऑप्शन है 3, 5, 7, 9, तो इसका सही जवाब है 3। पाकिस्तान में 2019 में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए गए लोगों में अभिनेत्री सारा अली खान, पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने वाले वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान और गायक अदनान सामी शामिल हैं। गौरतलब है कि अदनान पाकिस्तान मूल के हैं, December 2015 में भारतीय नागरिकता मिली है। दोस्तों ये रहा हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स का ऑडियो सेशन। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।